पवन का स्थिति बहुत जर्जर है मैडम, बरसात में बहुत समस्या आती है इसमें, पानी गिरता है बीच बीच में, नीचे टूट टूट के भी गिरता है, कहीं किसी के पास ऊपर गिर जाए तो बहुत बड़ा समस्या हो जाएगी ना इसी तरह का। जिला कोरोना प्रखंड मरकच्चो के बरियारडी गांव में 8000 जनसंख्या वाले गांव है, जहां पे उप स्वास्थ्य केंद्र है जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बरसात में पानी भर जाने के कारण डिलीवरी नहीं हो पाती है व अन्य मरीजों का इलाज भी नहीं हो पाती। ममता देवी एनएम को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये भवन का कितना दिन हो गया बना हुआ? लगभग 50 साल हो गया है। इस बार सरकार का आदेश है कि हर सेंटर में कम से कम 3 डिलीवरी होना चाहिए। बरसात में समस्या मेरे पास है कि हम कैसे करवाएंगे, कहाँ करवाएंगे। मेरे पास जब डिलीवरी पेशेंट आता है तो उसका जांच के लिए जगह नहीं है। सर्दी खांसी बुखार रहा, हल्का डायरिया मलेरिया, तो उसको तो कहीं भी कर लेते हैं, अलमीरा से दवा निकालते हैं वहीं दवा दे देते हैं, लेकिन डिलीवरी में तो बहुत परेशानी। पहले एक रूम था जिसमें हम ओपीडी भी करते थे और देखना था हमको एनसी करना था वो कर लेते थे, और प्रभारी ने दूसरा स्टाफ को वहाँ शिफ्ट करवा दिया। समस्या है कि हम कहाँ क्या करेंगे। आप लोग पानी कहाँ से लाते हैं? बगल में है चापा, खराब था या 6-7 महीना खराब था चापा का, दूर से लाते थे रोड पर से। यहाँ जब डिलीवरी होता है तो प्लेसेंटा पेशेंट को अपने से ले जाना पड़ता है, हम लोग बोलते हैं कि कहीं जमीन गड्ढा करके गाड़ दीजिए, यहाँ पीठ नहीं बना हुआ। हम लोग 2007 से लिखते आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसको बरसात से पहले आवेदन हर साल देते हैं, 1 जून को दिए हैं इस बार, और कितना लोग आए फोटो खींच के गए देख के गए, कुछ नहीं हुआ। हम चाहते उचित व्यवस्था किया जाए सब कुछ देखते हुए, जिससे कि हमें भी अच्छा महसूस हो और जो मेरा ग्रामीण है उन लोग को भी लगे कि नहीं है व्यवस्था सब चीज़ का है। वीडियो देखने वाले आप तमाम दर्शकों से मैं नम्र अपील करती हूं कि मरकच्चो प्रखंड के स्वास्थ्य प्रभारी हरेंद्र प्रसाद तिवारी, जिनका नंबर 9534538161 पर कॉल कर दबाव बनाए, ताकि जल्द से जल्द उप स्वास्थ्य केंद्र बने और उचित व्यवस्था हो। मैं विंती विश्वकर्मा, जिला कोडरमा, झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।